नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। गरियाबंद जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर में चुनाव काफी दिलचस्प रहा और चुनाव के पहले यह कहा जा रहा था कि भाजपा के जगदीश यदू इस बार नए अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद और 5 निर्दलियों के कांग्रेस प्रवेश लेने के बाद माहौल कांग्रेस के पक्ष में माना जा रहा था। आखिर इन सब के बीच राजनीतिक गहमागहमी के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमे भाजपा के जगदीश यदू ने जीत हासिल की, जिससे भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जगदीश यदू के अध्यक्ष बनने के बाद फिंगेश्वर में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें भाजपाइयों के साथ साथ फिंगेश्वर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। फिंगेश्वर के प्रसिद्ध मौली माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नगर भ्रमण के लिए विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस वार्ड क्रमांक 5 से होते हुए नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड पहुँचा, जहाँ जगदीश यदू का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद गुरु घासीदास मंदिर से होते हुए रानी श्याम कुमारी चौक पहुंचे, जहां फूल माला के साथ नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस विजय जुलूस में सबसे खास बात यह रहा कि विजय जुलूस को भव्य बनाने के लिए बाजे गाजे के साथ जिप्सी को भी सजाया गया था, जिसमें अध्यक्ष जगदीश यदू के साथ भाजपा नेता सवार थे, परंतु उस जिप्सी को चलाने सारथी के रूप में राजिम के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय नजर आए, जिन्होंने कहा कि फिंगेश्वर के विकास के लिए जगदीश यदू के साथ सारथी बनकर काम करेंगे। आपको बता दें कि राजिम के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय चुनाव के पहले से ही भाजपा को जिताने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे और उनका दावा भी था कि नगर पंचायत फिंगेश्वर में भाजपा के अध्यक्ष ही बनेंगे। देखिए, जनता ने चुन के भेजा है तो जनता प्राथमिकता तय करेगी यहाँ विकास कैसे होगा, और मुझको लगता है इस 5 वर्षों में जो जनता चाहती पूरा विकास हम कर पाएंगे। जगदीश यादव एक सामान्य परिवार का बच्चा है और लोगों ने बहुत उत्साह से जिताया है। 2-2 कार्यकाल उनके नगर पंचायत उपाध्यक्ष रूप में लोगों ने देखा है, और थिएट्रिक बनाना बहुत आज के समय में बहुत तकलीफदायक है। उसको तीसरा बार चुनाव जीता है तो मुझको लगता है जनता के अनुरूप वो काम करेगा, और यहाँ की प्राथमिकताएं जनता तय करेंगी, उनके हिसाब से काम होगा। कैसा लग रहा है? मेरा सौभाग्य है विकास में, यदि मैं जग्गा का सारथी बनता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य बात है। बहरहाल, जगदीश यदू के अध्यक्ष बनने पर भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जगदीश यदू विजय जुलूस निकाले हुए हैं, उनके साथ तमाम समर्थक मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, और ढोल नगाड़ों के साथ नगर में भ्रमण किया जा रहा है और आम जनता का आभार व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं आम जनता में कई उम्मीदें हैं कि इस बार नगर का विकास किस तरह होगा, और पहले जो प्राथमिकताएं हैं वो नगर पंचायत के नए अध्यक्ष जगदीश यदू कौन कौन से प्राथमिकताओं को प्रथम रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलने गए हैं। क्या उम्मीदें हैं नगर अध्यक्ष से? चौमुखी विकास करेंगे, उसीलिए ही हम चुनाव लड़े। उस हमारा एक ही उद्देश्य है, नगर का विकास करना और नगर के लोगों को हर सुविधा दिलाना, इसलिए हम विकास होगा। बिल्कुल होगा विकास, विकास होगा इस बार एकदम पूरा विकास होगा। आज तक के 5 साल से जनता भुगत रही थी, एक बार जनता को पूरा विश्वास है और जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे पूरा नगर। अच्छा, क्या विकास होगा? होगा भैया। क्या उम्मीद है नया उम्मीद भाई? क्या उम्मीद है के सड़क वड़क के विकास होही? हाँ, विकास होही, डबरी के बनाही तब होही भैया, बनाही तब होही। हाँ, ले बता विकास होही तो का का उम्मीद है, का काम करना चाहिए? मोला बोले ले अभी का का करना, सब काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, जो भी समस्या वो हल करना चाहिए।
कैसे भरोसा करें तभी जीता हन का। तो पैसा कैसे नहीं निकला थे, मकान बन के 2 साल हो गए। हाँ बोलबो, हाँ हाँ पूरा कर। नगर का विकास किस तरह होगा और क्या पहली प्राथमिकताएं हैं, क्या कहते हैं नगर पंचायत के नए अध्यक्ष जगदीश यदु, देखिए इस रिपोर्ट में। आइए सीधे बात करते हैं नगर पंचायत सिंहेश्वर के नए अध्यक्ष जगदीश यदु, इनकी क्या प्राथमिकता है, कौन कौन सी पहली प्राथमिकता है, कैसे विकास होगा यहाँ के प्राचीन धरोहर सरार पहली प्राथमिकता है। उसके बाद नया बस स्टैंड में 45-52 कॉम्प्लेक्स निकालना, बेरोजगारों को रोजगार देने पर प्राथमिकता है और गरीबनाथ तालाब का जीर्णोद्धार कराने पहली प्राथमिकता में है। देखिए राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो कहीं कुछ अड़चने आ सकती है, आ सकती है, प्रयास करके मेहनत करके लाएंगे हम मंत्री जी से। नगर वासियों को कई बड़े उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर आप कैसे खरा उतरेंगे और पहली मुहर आपके नगर पंचायत अध्यक्ष बने तो पहली मुहर किस पे लग सकती है? सबसे पहले हमारे प्राचीन धरोहर सरार है, उसके बाद पानी की समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। सुनते आ रहे हैं कि धरोहर बनने वाला है, बनने वाला है, पैसा आ चुका है, लेकिन बन क्यों नहीं रहा है, क्या काम कब शुरू होगा? ये बिल्कुल 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा, पदभार ग्रहण करते ही वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। तो ये है नगर पंचायत के नए अध्यक्ष जिनका ये दावा है कि इस बार बहुत जल्द जो है आज नगर का विकास होगा, कई मूलभूत जो यहाँ की समस्याएं उन पर प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही जो नगर का धरोहर है सरार उसको बनाया जाएगा। बहरहाल ये विजय जुलूस निकाला गया है और इस तरह जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष जगदीश यदु आभार व्यक्त कर रहे हैं। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान, मिस्टर इमरान, न्यूज नेटवर्क, गरियाबंद, सिंहेश्वर।